राजस्थान कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो तृतीय जो प्रश्न पत्र है उसके लिए कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और ये सवाल बिना विकल्प के है आपसे पूछ रहा हूँ, बाद में उत्तर बताऊंगा। केसर ए हिंद से सम्मानित जो साहित्यकार है वो कौन है? राजस्थान की महिला राज्यपाल अभी तक कितनी रही है? राजस्थान विधान परिषद को भंग कौन कर सकता है? राजस्थान में सीएम पद का अस्तित्व कब आया? 16 खंभों का महल कहाँ पे है? खिजराबाद का उल्लेख किस अभिलेख के अंदर, किस लेख के अंदर है? अकबर की मृत्यु की सूचना, अकबर को महाराणा प्रताप के जो मृत्यु की जो सूचना किसने दी थी? सितारे हिंद की उपाधि किस राजा को दी गई? और इसके साथ ही डाबी जो किसान पंचायत हुई थी उसका गठन किसने किया था? चरखा संघ का गठन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने किया था? कर्माबाई का संबंध किस जिले से है? और कायम खानी जो रासो है, कायम खान जो रास्व है, या कायम खानी जो रास्व है वो किसने लिखा? तो दोस्तों केसर हिंद से सम्मानित श्यामलदास जी है, वीर विनोद लिखा था इन्होंने। और राजस्थान की महिला राज्यपाल की बात करें देखो, प्रभा राव है ना, और प्रतिभा पाटिल है, मार्गेट अलवा, 3 राज्यपाल महिला रही है राजस्थान की, ठीक है। और राजस्थान विधान परिषद, तो विधान परिषद आपको पता है राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राजस्थान में सीएम जो पद है उसका अस्तित्व 7 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। और 16 खंभों का जो महल है, ये जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है इसी का दूसरा नाम है। और खिजराबाद का जो उल्लेख है ना, तो ये किस रूप में है? धबई जो पीर की जो दरगाह है उसके लेख के अंदर है। और अकबर को जो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु की जो सूचना दी थी वो दुर्सा आढ़ा ने दी थी, और ये दुर्सा आढ़ा यही है जिन्होंने किरतार बावनी और विरुद्ध क्षेत्री किताब लिखी थी। और सितारे हिंद की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और डाबी किसान पंचायत का जो गठन किया गया था वो साधु सीताराम दास ने किया था, ये वही साधु सीताराम दास है जो बिजोली आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। और चरखा संघ का जो गठन किया था गांधीवादी नेता जमनालाल बजाज जी ने किया था। और कर्माबाई का जो संबंध है वो नागौर से है, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो। और जो कायम खान जो रासो है, जॉन कवि जो है, उन्होंने लिखा है। तो ये ऐसे सवाल है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 50 में से 40+ क्वेश्चन जो है इस प्रश्न पत्र में, अनिवार्य प्रश्न पत्र में, थर्ड पेपर में करने हैं, तो इसमें से जैसे मान लो मैंने आपसे 12 सवाल पूछे तो 7 सवाल आपको या 8 सवाल आपको आना चाहिए बिना विकल्प के, तभी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर की है। और कभी कभी क्या होता है परीक्षा में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आप कहते हो साहब कहाँ से पूछ लिए, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जो सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं गाइडों से कम पूछे जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनसे ये सवाल जो है, या सुजस से है, आर्थिक समीक्षा से, ऐसे सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।